हार्ट अटैक पूरी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण। जी हाँ, और हमारे भारत में तो यह सबसे ज़्यादा है। आजकल कम उम्र के युवा से लेकर बच्चों तक में हार्ट अटैक की समस्या देखी जाती है। पहले जहाँ 60 एवं के लोग ही इसका शिकार हुआ करते थे, आजकल 40 और यहाँ तक कि 18 से कम उम्र के बच्चों में भी ये देखा जा रहा है। हार्ट अटैक दोस्तों ऐसा ही नहीं आ जाता, बल्कि इससे पहले ये कई लक्षण देता है। पर शायद आपने कई बार देखा होगा, इसमें सीने में तेज दर्द होता है, फिर खांसी होती है और लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं ज़मीन पे, और फिर हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। पर दोस्तों हर बार ऐसा ही नहीं होता, कई बार हार्ट अटैक साइलेंट तरीके से भी आता है। आज का वीडियो इसी पर है, साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, कैसे जाने कि आप हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक हमेशा किसी निशानी के साथ आए, इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें। डायबिटीज, हाइपरटेंशन और मोटापे के शिकार लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। कई लोगों को लगता है कि जब हार्ट अटैक आएगा तो उनके सीने में तेज दर्द होगा और उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन कई बार हार्ट अटैक बिना किसी लक्षण के अचानक आता है। इसे ही साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। हालांकि इसके पहले आपके कई लक्षण नज़र आते हैं, जिन पर ध्यान देकर आप समय पर अपना इलाज करा सकते हैं। जैसे सीने में दबाव, अगर आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो आप सीने में दबाव महसूस करेंगे। सीने में दर्द या प्रेशर महसूस हो सकता है, अगर ऐसा कोई लक्षण है तो आपके लिए चिंता की बात है। बांह में दर्द, सीने में तेज दर्द उठना और धीरे धीरे पूरे बांह में दर्द फैलना हार्ट अटैक का लक्षण है। हालांकि कई बार सीने में दर्द ना होकर सिर्फ बांह में दर्द होता है। हाँ, हार्ट अटैक में सबसे बड़ा लक्षण आप इसे मान सकते हैं कि आपके दोनों हाथों में, खास करके बाएं हाथ में ज़्यादा दर्द होता है, और उसके बाद यह दर्द धीरे धीरे बहुत ही तेज असहनीय हो जाता है। अगर इस तरह के कोई लक्षण हो तो आप समझ जाए या तो आपके ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो रहा है या आपको हार्ट अटैक आने वाला है, तो आप तुरंत चेकअप जरूर करें दोस्तों। अचानक कमजोरी, अगर आपको अचानक चक्कर आने लगे या आप इतनी कमजोरी महसूस करें कि ठीक से खड़े भी ना हो पा रहे हो, तो तुरंत आसपास के लोगों को सूचित करें और डॉक्टर को बुलाएं। दोस्तों कई बार ऐसा होने से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है, पर नहीं। अगर ऐसा कुछ आपको महसूस हो तो आप वहीं आसपास कहीं भी बैठ जाए, चाहे वो ज़मीन ही क्यों ना हो, आप वहाँ कुछ देर बैठे रहें। उसके बाद जब आपको आराम महसूस हो तभी आप वहाँ से उठें और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराएं। जबड़े में दर्द, अक्सर जबड़े में या गले में ठंड और सेंसिटिविटी के कारण दर्द उठता है, लेकिन अगर सीने के बीच में दर्द हो और बढ़ता हुआ जबड़े तक पहुंच जाए तो यह हार्ट अटैक के लक्षण है। पैरों और एरियों में सूजन, अगर आपके पैरों में सूजन है तो इसका मतलब है कि हार्ट ठीक से ब्लड पंप को नहीं कर पा रहा है, यानी ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट फेल्यूर से पहले किडनी भी कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। इस लक्षण को दोस्तों बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। हर बार ऐसा नहीं होता कि सीने में दर्द हार्ट अटैक के ही लक्षण हो, कई बार गैस के कारण भी ऐसा हो जाता है। पर ये तय है दोस्तों, अगर गैस बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, जो कि हार्ट अटैक का भी एक कारण है। तो अब किसी भी प्रकार का दर्द महसूस हो, किसी भी प्रकार के अचानक से बदलाव आपके बॉडी में नजर आए आपको अगर, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आप अपना इलाज सही समय पर करा सकें। जिस समय हार्ट अटैक आता है उस समय तो दोस्तों पसीना बहुत आता है, इसलिए आदमी समझ सकता है। पर ये थे हार्ट अटैक के पहले के लक्षण, जो आपको 2-3-4 दिन पहले से ही देखने को मिल जाता है। और अंत में दोस्तों, सीने में दर्द होना तो हार्ट अटैक के सबसे बड़ा लक्षण है, लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें सीने में दर्द नहीं उठता है, उन्हें हार्ट अटैक अचानक से ही आ जाता है। हाँ, बाकी लक्षण आपको ज़रूर नज़र आएंगे, पर उनमें सीने में दर्द नहीं उठता है, तो आप इस बाकी लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। आप ना सोचें कि सीने में दर्द ही हार्ट अटैक का लक्षण है और दर्द नहीं हो रहा तो इसका मतलब अटैक नहीं आ सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप बाकी लक्षणों पर ज़रूर गौर करें दोस्तों और सही समय पर अपना इलाज कराएं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएँ, खुश रहें, स्वस्थ रहें।